झारखंड की उड़न परी आशा किरण बारला और उनके कोच आसू भाटिया दोनों ही मौजूद हैं। अभी 37वें खेल राष्ट्रीय खेल को लेकर रवानगी है झारखंड से और सारे प्लेयर यहां से रवाना होने लगे। 25 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक, 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित होने वाला है। इसको लेकर बात करते हैं आशा से, कैसे कैसी तैयारी है? लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, मेडल पे मेडल आ रहे हैं, क्या इस बार हम उम्मीद रखें गोल्ड मेडल का? बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है और खास करके ये गोवा नेशनल गेम के लिए हम काफ़ी दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी वहाँ जाएंगे पार्टिसिपेट करके, कोशिश करते हैं कि हम गोल्ड मेडल लेके आएँ। रिसेंट अभी ईस्ट जोन एथलेटिक्स हुआ था, कैसा रहा वहाँ पे? काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे, तो हमारे झारखंड से हमारे एकेडमी से भट्टी एथलेटिक्स एकेडमी है हमारा जो जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से टोटल 22 बच्चे गए थे, उनमें से 20 मेडल लेके आए हैं। आप ही के कप्तानी में सभी प्लेयर्स हैं? जी बिल्कुल। तो इस बार क्या उम्मीद रखे झारखंड की? इस बार आशा रिकॉर्ड तोड़ रही है और गोल्ड मेडल ला रही है। रिकॉर्ड का नहीं बोल सकते लेकिन गोल्ड मेडल का बोल सकते हैं कि हम पूरा कोशिश है, मेरा 110% कोशिश है कि मेडल लेके आए झारखंड के लिए गोल्ड मेडल। आशू भाटिया भी हैं, इनके कोच हैं, आशू भाटिया एकेडमी भी चलाते हैं बिरमो में, कैसी तैयारी है सर? तैयारी अच्छी है और मुझे लगता है ये झारखंड से सबसे छोटी उम्र की लड़की होगी जो सीनियर नेशनल गेम्स में खेल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करके और झारखंड को मेडल ज़रूर देगी। कितने प्लेयर आपके कैंप से जा रहे हैं वहाँ पे? दो प्लेयर जा रहे हैं, आशा और फ्लोरेंस। आशा और फ्लोरेंस दोनों का नाम झारखंड में सभी जानते होंगे जो भी एथलेटिक्स और जो भी खिलाड़ी रहे होंगे, क्योंकि दोनों काफ़ी उम्दा प्रदर्शन करते आ रहे हैं लगातार। और कैसी क्या स्पेशल तैयारी है नेशनल गेम्स को लेकर? वैसे बस इसके लिए बस प्रैक्टिस ऐसे कोई स्पेशल नहीं है, जो अभी लगातार गेम होते आए हैं तो वो उसी में सारा कोई अब सबका सेम प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद लेके चल रहे हैं कि ये हमारा इंडिया का सबसे अच्छा गेम है गोवा वाला जो ये 37 नेशनल, तो इन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम गोल्ड मेडल लेके आएँ। खेलो इंडिया के बाद लगातार अब जूनियर्स में खेले हैं, इसमें पहला बार सीनियर्स से मुकाबला होने वाला है, तो कैसे देखते हैं इसको? इसको अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह सोचते हो। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये सीनियर है तो सीनियर जैसे नहीं, सीनियर के साथ भाग रहे तो मैं सोचती हूँ कि मैं इनको काट के मैं आगे जाऊँ और अपने झारखंड का नाम रोशन करूँ। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे साथ ही फ्लोर आशा किरण बालरा और इनके कोच आशू भाटिया, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें लगातार। मैं शुभम किशोर, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।